हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम अमनदीप लांबा है और आज आपके साथ एक इग्नू से रिलेटेड नोटिफिकेशन लेके आया हूं, जो कि पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2020 सेशन के लिए होगा। तो इस यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें, और ऐसी ही हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई सभी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ इस चैनल पर। तो आप इस चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो उससे आप वंचित ना रह पाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम इससे यूनिवर्सिटी की हर एक बातें पे डिस्कस करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट सेट जेआरएफ या गेट क्वालिफाइड नहीं है, उसके लिए खुशखबरी ये है कि यहाँ पर उसको भी एडमिशन में एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वो इस वजह से क्योंकि सभी कैंडिडेट्स ऑल कैंडिडेट्स के लिए ये ज़रूरी है कि सभी के सभी कैंडिडेट्स एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो सभी के सभी जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हैं उनको भी ये एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, और जो नहीं क्वालिफाई हैं उनको तो देना ही देना है। तो दोनों सभी इक्वल हैं, इस वजह से सभी कैंडिडेट्स एंट्रेंस टेस्ट देंगे। अब इंटरेस्ट टेस्ट में होगा क्या, तो इंटरेस्ट टेस्ट में अगर 100 क्वेश्चन आपके पूछे, जैसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 50% आपका रिसर्च मेथोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, तो और 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। मतलब कि 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोलॉजी से पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चंस आपके जिस भी सब्जेक्ट से आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू टाइप के, और जिसमें 4 ऑप्शंस आपके होंगे। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट आपको करना होगा, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। दूसरा बात, इसमें एंट्रेंस टेस्ट में जो 70% वेटेज दी जाएगी वो आपकी एंट्रेंस टेस्ट की दी जाएगी, और 30% वेटेज आपकी इंटरव्यू की दी मिलेगी। तो ये आप ज़रूर ध्यान दें कि एंट्रेंस टेस्ट बहुत मायने में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब दो कैटेगरीज में रहेगी पीएचडी इग्नू की, एक तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं और एक आप फुल टाइम कर सकते हैं। तो आप खुद ये निश्चय लें कि आपको कौन सी करनी है, बाकी रेगुलर मोड पे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। दूसरी बात, पीएचडी में 3 ईयर्स मतलब 3 साल बिल्कुल मिनिमम है, और 6 ईयर्स आपकी मैक्सिमम होगी आप अगर पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल होंगे वहाँ पे करेंगे तो। 80% यहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी होंगी, तो ये भी आप जरूर ध्यान देके और यहाँ पर जाएं। ये सभी जो कैंडिडेट्स हैं स्टूडेंट्स जो भी, वो उनकी ओन अरेंजमेंट पर दिल्ली रहने का जो भी है, अगर फैसिलिटी नहीं मिलती है हॉस्टल फैसिलिटी तो वहाँ पर अपनी खुद की अरेंजमेंट आपको करनी होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आ जाते हैं तो 55% जैसे कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में होता है वही यहाँ पर क्राइटेरिया है। 55% आपकी होनी चाहिए मास्टर डिग्री में, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 50% यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, इंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो इंट्रेंस टेस्ट आपके एनटीए यूजीसी एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो ये आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा, इसके द्वारा ही सभी चीज़ें जो भी आपके कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग जो भी एडमिट कार्ड या हॉल टिकट जो भी करना होगा वो सभी प्रक्रिया एनटीए करवाएगा। ठीक है, इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू आपका जो भी उसके डिसिप्लिन स्पेसिफिक डॉक्टरल रिसर्च कमेटी होगी वो आपका इंटरव्यू लेगी, और उसमें सिनॉप्सिस या प्रेजेंटेशन आपको उनके सामने अपनी प्रेजेंट करनी होगी। आप अपनी सिनॉप्सिस भी लेकर जाएं ताकि उनको समझा सकें, उनको बता सकें कि मैं किस पे करना चाहता हूँ। लास्ट डेट की बात करें तो 23 मार्च से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर दें। एंट्रेंस टेस्ट की जो तिथि है वो 29 मार्च है, और इसकी डिक्लेयर कर दिया जाएगा 8 मई को रिजल्ट। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिटेबल है। जो भी कैंडिडेट्स जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस होगी, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपये फ़ीस होगी। यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए सभी जो भी आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन मोड पे आप नहीं कर सकते। इसमें जो भी इंट्रेंस टेस्ट की रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के वाइज आपका सिलेबस भी मेंशन है, नीचे मैं उसको भी दिखाऊंगा, तो उस बारे में भी कोई चिंता का विषय नहीं है। आपका एंथ्रोपोलॉजी की 12 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स की 7 सीट हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की 9 सीट, पॉलिटिकल साइंस की 3 सीट, साइकोलॉजी से 17 सीटें हैं, पब्लिक एड से आपकी 16, सोशियोलॉजी से 14, बायोकेमिस्ट्री से 10 सीटें, केमिस्ट्री से 11, ज्योग्राफी से 15 सीट्स हैं,
आपकी जियोलॉजी से 4, स्टेट्स से 12 सब सीटें, फूड न्यूट्रिशन एंड साइंस से 5 सीट्स एंड होम साइंस से आपकी 4 सीटें यहाँ पर रहेंगी। कॉमर्स से 7 सीटें, मैनेजमेंट से 5 सीटें, एजुकेशन से 20, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज से 12 सीटें, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से 7 सीटें होंगी, डेयरी साइंस और टेक्नोलॉजी से 4 सीटें, आपके डेवलपमेंट स्टडीज से 18, कंप्यूटर साइंस से 5, लॉ से 4, नर्सिंग से 3, आपके सोशल वर्क से 11 सीटें, ट्रांसलेशन स्टडीज से 3, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से 8 सीट, फ्रेंच से 2 सीट, ये आपकी मेंशन रहेगी। आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाइज आपकी यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो भी सिलेबस है वो नीचे मेंशन है, सभी सब्जेक्ट वाइज आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आपके जो डाउट्स हैं कि इसके सेंटर कहाँ होंगे, तो सेंटर जो भी एनटीए के होते हैं वही लगभग यहाँ पर भी लिए जाएंगे। तो एनटीए कंडक्ट करा रही है, तो ये आपके सिटीज़ हैं जिनमें ये क्वेश्चन, ये पेपर आपका होगा। तो आप अगर इस यूनिवर्सिटी में भाग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल अप्लाई करें, बम्पर सीट्स हैं, आप देख ही चुके हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो इस यूनिवर्सिटी में ज़रूर अप्लाई करें। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी मान्यता है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। ऐसी वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस नोटिफिकेशन को देखकर अप्लाई कर पाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट्स हैं पूछ सकते हैं, फ्री हैं बिल्कुल। जय हिंद।